हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, नेचुरल चीजों को ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कॉम्बिंग। और इस वाली वीडियो में मैं आज प्रॉपर फ्रंट कॉम्बिंग ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरे बालों की कंडीशन अभी इस टाइम ऐसी है, मैंने पोनीटेल किया हुआ है और सुबह ही कर लिया था। ये जो वीडियो है मैं इवनिंग में बना रही हूँ, लेकिन जो बालों की कंडीशन है वो ना तो ऑयल है उनमें और ना ड्राई हेयर है, क्योंकि मैंने अभी ऑयलिंग पे वीडियो मतलब जल्दी ही ऑयलिंग प्रोसेस अपने हेयर्स में किया था। तो हैवी हेयर ऑयलिंग मैंने अपने बालों में की थी। तो नॉर्मल जो शैम्पू यूज करते हैं 2 से 3 टीस्पून, उसमें मेरा जो ऑयल है बालों को वो पूरी तरीके से नहीं निकला है। तो अभी ऑटोमेटिकली अपने आप ही देख सकते हैं आप बालों की कंडीशन, बालों में ऑयल है भी और नहीं भी है, पूरी तरह से सिल्की अभी फिलहाल हेयर नहीं है, पूरी तरह से ड्राई हेयर नहीं है, ऑयलिंग बची हुई है शैम्पू के बाद भी। तो इन्हीं हेयर में मैं आपको फ्रंट कॉम्बिंग शेयर करूंगी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, जैसा आप लोग बोलते रहते हैं कि हैवी ऑयलिंग करिए, हैवी ऑयलिंग करिए। तो अगर हम हैवी ऑयलिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि 100 ml 200 ml ऑयलिंग मैंने कर दी है इसीलिए मेरे बालों से ऑयल नहीं निकल रहा है, जी नहीं। हैवी ऑयलिंग में भी मैंने वही ऑयल लिया है 5 से 6 टीस्पून जो मैं यूज करती हूँ, और उसी में मेरे बालों में शैम्पू के बाद भी इतना ऑयल बचा हुआ है। अभी मुझे दोबारा से अपने बालों में शैम्पू करना पड़ेगा, उसके बाद पूरे तरीके से मेरे जो बालों का ऑयल है वो जाए। तो अगर मैं 200 ml ऑयलिंग अपने बालों में कर दूं या फिर 500 ml कर दूं, तो मुझे तो नहीं लगता कि पूरी बोतल डाले बिना मेरे बालों का ऑयल निकल जाएगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि इस तरह की वीडियो मत देखिए और इस तरह की प्रोसेस का यूज भी मत कीजिए अपने बालों में। और अगर आप खाली लेट के वीडियो देखते हैं, तो लेट के वीडियो देखने से भी आपके बाल स्ट्रांग नहीं होंगे, आपकी स्कैल्प स्ट्रांग नहीं होगी, आपकी हेयर ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। जब आप प्रोसेस करेंगे तभी आपकी हेयर ग्रोथ आएगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों के साथ ये सब प्रोसेस शेयर करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, तब आप लोगों को ये बताती हूँ। तो जब मैं इतनी मेहनत करती हूँ उसके बाद मेरे ऐसे हेयर हैं, तो आप मुझे बताइए, आप लोग लेट के वीडियो देखते हैं ना, आपका अब कोई कमेंट आता है ना कोई क्वेरी आती है, बस इंटरेस्ट के लिए वीडियो देखा और काम खत्म। अगर किसी एक दो बंदे का कमेंट मुझे आएगा भी तो यही कि हेयर फॉल रुकता नहीं है, हेयर ग्रोथ नहीं होती, रीग्रोथ नहीं होती। अरे यार, जब आप चीजों को यूज ही नहीं करेंगे तो आपकी हेयर ग्रोथ कैसे हो जाएगी? चीजों को आप एक लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट्स कैसे मिल जाएंगे? कंसिस्टेंसी बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। वीडियो को देख के मोटिवेट होने से काम नहीं चलता, आप कंसिस्टेंसी बनाएंगे, मेहनत करेंगे, चीजों को फॉलो करेंगे रेगुलर बेसिस पर, तभी आपके हेयर भी इस तरह के हो पाएंगे। ऑयलिंग के बाद अगर पोनीटेल कर रहे हैं या फिर ब्रेड बना रहे हैं, तो उसके बाद पूरे स्ट्रेट हेयर नहीं बचते हैं। तो ऑयलिंग के बाद मैंने अपने बालों में पोनीटेल भी किया, मैंने अपने बालों में बन भी बनाया, तो जिसकी वजह से मेरे ऐसे ये हेयर हो चुके हैं और वॉश करने के बाद ही पूरे तरीके से सिल्की होंगे। अभी देख सकते हैं आप कितना वॉल्यूम है मेरे हेयर्स में। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे जो आप लोगों की रिक्वेस्ट अभी तक जितनी भी आई है, ज्यादातर कॉम्बिंग पे ही आपकी रिक्वेस्ट है या फिर ऑयलिंग पे रिक्वेस्ट आती थी, अभी रिक्वेस्ट आती भी नहीं है, तो ऑयलिंग और कॉम्बिंग पे। कॉम्बिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हर एक, दुनिया की हर एक लड़की कर सकती है, हर एक लड़का कर सकता है, छोटे छोटे बच्चे भी कॉम्बिंग कर लेते हैं, वो भी अपनी गंजी चांद पे कंघा चला लेते हैं, ठीक है। तो आपकी जो कमेंट आती है वो सिर्फ ऐसी कमेंट आती है कि आप आराम से बेड पे लेटे हैं और
बेड पे लेट के वीडियो को देख सकते हैं, ना आपने कोई जोर लगाया, ना कुछ आपको मेहनत करनी पड़ी, ना कोई प्रोसेस अपने स्कैल्प पे करना पड़ा, तो भाई हेयर ग्रोथ कहाँ से, हेयर फॉल कंट्रोल कहाँ से होगा, रीग्रोथ कहाँ से आएगी? कमेंट करनी है, क्वेरी करनी है तो कुछ इस तरीके की कीजिए कि हमें हेयर फॉल हो रहा है, हमें ये परेशानी है, या फिर हमारे स्कैल्प पे ये वाला प्रोसेस हमें प्रॉब्लम कर रहा है, या ये वाला प्रोसेस हमें शूट हो रहा है, या फिर हम अपने चेहरे पे क्या अप्लाई करें। चेहरे वाली वीडियो जब भी डालती हूँ आप लोग उन्हें देखना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि उन चीज़ों में मेहनत लगती है, मेरी भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और आप लोगों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी एप्लीकेशन बनाने में भी टाइम लगता है, उसको यूज़ करने में भी टाइम लगता है, नेचुरल ब्यूटी ऐसे ही नहीं मिल जाती। तो प्रोसेस को समझिए, चीज़ों को यूज़ कीजिए, नेचुरल रहिए। वैसे इतना समझाती हूँ आपको, इतना बोलती हूँ मोटिवेट रहिए, खुद को पॉजिटिव रखिए, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी चीज़ों को नहीं समझना। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना ही करना है कि एक बढ़िया सा कैमरा हो, एक बढ़िया सा फ़ोन हो और हम लेते हैं और हम बस वीडियो देख लिया है बस, हाँ ठीक है। कॉम्बिंग पे वीडियो होगा तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब मैंने आप लोगों को कॉमिक शेयर कर दी है, तो इसमें ऐसे थोड़ी ना है कि आप भी बिल्कुल सेम ये वाली वीडियो देख के इसी तरीके से ऐसे कॉमिक करने बैठेंगे, जी नहीं। सबका कॉमिक का अपना अलग प्रोसेस होता है, कॉमिक सभी को आता है, लेकिन रेमेडीज कोई कोई शेयर करता है, कोई कोई फॉलो करता है, और जो फॉलो करता है, जो यूज करता है एप्लीकेशन को, उनकी मुझे कॉमेंट भी आती है कि दीदी हमें इस वाली रेमेडी से ये बेनिफिट मिला, हमें ये वाली रेमेडी से ये वाला रिजल्ट मिला, या फिर इस वाली रेमेडी से रिजल्ट नहीं आया, ये वाली हेल्पफुल लगी, इस तरीके से कमेंट आती है बहुत लोगों के, लेकिन बहुत लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया है। जब भी आएगी कमेंट, कॉम्बिंग कर दीजिए, ब्रेड बना दीजिए, ऑयलिंग कर दीजिए, ब्रेड वाली पीछे भी मैंने वीडियो डाली हुई है, जो नॉर्मल ब्रेड होती है वो इसी तरीके से होगी, कोई और प्रोसेस ब्रेड में नहीं लगाया जाएगा, कोई और प्रोसेस कॉम्बिंग में नहीं लगाया जाएगा। बस फर्क इतना होता है, कभी इस वाले कॉम को यूज कर लिया, कभी कंगिंग को यूज कर लिया, कभी ब्रश को यूज कर लिया, तो बस ये प्रोसेस हो सकते हैं, बाकी और कोई प्रोसेस नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ कि इस वाली कॉम्बिंग से ज्यादा अच्छा आपको मेरा स्पीच लगे, जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है वो स्पीच आपको ज्यादा अच्छा लगे और आप मोटिवेट हो सकें, आप पॉजिटिव हो सकें, खुद को समझ पाए, खुद के स्कैल्प को समझ पाए, खुद की बॉडी को समझ पाए और चीजों को सही वे में यूज कर पाए। मुझे भी बहुत खुशी होगी अगर आप नेचुरल चीजों को यूज करेंगे और मुझे इनका रिजल्ट्स बताएंगे। तो इस वीडियो को रखूंगी इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।